हेलो वेलकम टू स्टार्ट सुजीत। तो भाई आज हम एक ऐसी वीडियो देखने वाले हैं जिसको देख के तुम्हारा कंटेंट से विश्वास उठ जाएगा। और कंटेंट की बात छोड़ो, अगर तुमको एक बड़ा यूट्यूबर बनना है तो आज की मेरी ये वाली वीडियो देख के तुम्हारा यूट्यूब से भी विश्वास उठ जाएगा। मतलब मैंने जब इन लोगों की ये सब वीडियो देखा तो मेरा रिएक्शन कुछ समय के लिए ये था। मुझे यूट्यूबर बनना ही नहीं और ऑडियंस तुम्हारा। हाँ भाई, मेरा यही रिएक्शन था ऑनेस्टली। पर वो कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को घर चले आए तो उसको भूला नहीं कहते। बस यही सोच के मैं भी वीडियो बनाने वापस आ गया। अब लेट्स टॉक अबाउट वीडियो। तो भाई मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऐसे चैनल्स हैं जिसके वीडियो को मैं ऐसे रोस्ट करूंगा कि यूट्यूब के भी रोंगटे कांप उठेंगे और आगे से यूट्यूब हम जैसे छोटे क्रिएटर के साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। तो चलो तुमको भी दिखाते हैं इंडिया के अल्ट्रा लेजेंड हाउसवाइफ का कंटेंट और शुरू करते हैं अपनी मजदूरी हॉट देसी गर्ल के साथ। अब बिना किसी क्वेश्चन के तुम सब पहले ये वीडियो देखो और सालो वीडियो ही देखना, अंधेरे में कुछ और ना देख लेना। विनोद क्लिप लगा भोसड़ी के। क्लिप में ऐसा क्या था जो मुझे नहीं दिखा और इन 111,000 चूतियों को दिख गया? नहीं यार, इस वीडियो में तुमको कंटेंट दिखा क्या? विनोद तुझे कंटेंट दिखा क्या? हेलो मोदी जी, मैं आपको व्हाट्सएप एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, जरा देख के बताइए उसमें आपको कंटेंट दिख रहा है क्या? हेलो अंबानी, आपको कंटेंट दिख रहा है क्या? हेलो हिंदुस्तानी बाबू, मेरा लौड़ा ले, लौड़ा लो ना मेरा लेंगे। इस वीडियो का टाइटल है गर्मी में काम करने से पसीना से हो जाता है बुरा हाल। वाह भोसड़ी के वाह, हमने कब कहा कि पसीना आने से आनंद आता है? और क्या नई बात बताई है ना मैडम ने, लगता है इन 111,000 चूतियों की ये बात पता ही नहीं थी। और अभी तुम आगे पढ़ो, इंडियन हाउसवाइफ वेरी बिजी रूटीन विलेज, टाइटल की तो इसने गांड मार के रखी है। और ये मैडम इतना बिजी है कि हर 10 सेकंड में कैमरा को देख के हमारी गांड मार रही है। इस वीडियो में ये अल्ट्रा लेजेंड हाउसवाइफ बस यही कर रही है। वीडियो में और कुछ नहीं है जो तुम्हारे देखने लायक हो। और बहन चोद लोग कहते हैं कि क्रिंज सिर्फ इंस्टाग्राम पे है। अरे भोसड़ी वालों, हमारा यूट्यूब इंस्टाग्राम से कम है के? और ऊपर से इनका चैनल का नाम देख के अलग ही गांड फट रही है, मेरा विलेज लाइफस्टाइल। देखो मैडम, सबसे पहले ये क्लियर करो कि मेरा गांड या मेरी गांड, क्योंकि आपको देख के मैं वैसे भी बहुत कंफ्यूज्ड हूं। और मैंने गांड इसलिए बोला क्योंकि लाइफस्टाइल का मतलब गांड दिखा के व्यू लाना नहीं होता। अबे कोई पीके को बुलाओ भाई, क्योंकि पीके की यहाँ पे बहुत जरूरत है, फैशनवा जो खराब हो गया है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये फैशन अपने आप बना है या फिर थंबनेल के लिए जानबूझकर फैशनवा खराब किया गया है। और अगर ये जानबूझकर किया गया है तो आप मुंबई आओ, मैं आपको टिकटॉक का इंस्टाग्राम का सुपरस्टार बनाऊंगा। अबे साले, अब इस जहरीली अल्ट्रा लेजेंड हाउसवाइफ की इतना खतरनाक कंटेंट देख के मेरी कंटेंट की गांड फट चुकी थी, तो इसके लिए मैंने एक और कंटेंट ढूंढा जिसमें लॉजिक और सेंस कूट कूट कर भरा था। इनसे मिलो, इनका नाम है माही और इनके यूट्यूब चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर माही। अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने इंडियन शब्द का यहाँ पर क्यों यूज किया है, बट ये अपने चैनल पे बहुत ही अलग लेवल का कंटेंट अपलोड करती हैं कि कपड़े कैसे धोते हैं, फिर से कपड़े कैसे धोते हैं और फिर से कपड़े कैसे धोते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही बकचोदी करती हैं ये। और जहां तक मुझे पता है ये कंटेंट एकदम नया है, तुम चाहो तो अपना हाथ आजमा सकते हो और बड़ा यूट्यूबर बन सकते हो। अब इनके वीडियो के टाइटल पे अपना थोड़ा नजर डालो, आज तो सिर्फ मेरे ही कपड़े, गौर फरमाना यहाँ पे, आज तो सिर्फ मेरे ही कपड़े धुलने के लिए हैं। शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे कंटेंट की बहुत जरूरत है हमारे देश को। कैरी ऑन, ऐसे ही मेहनत करते रहो और अपने गांड का नाम ऊंचा करते रहो, क्योंकि तुम्हारे थंबनेल पे सिर्फ गांडी है और कुछ नहीं। और पता है कि ये इतना कपड़ा धुलती हैं कि जब इनके पास कपड़े धुलने के लिए नहीं बचता तब ये अपने मोहल्ले वाले से कपड़े मांग के धुलती हैं ताकि इनकी वीडियो चलता रहे। अब आई डोंट नो कि इतने खतरनाक हाउसवाइफ का हस्बैंड कौन से सुखी गांड का नशा करता है जो इनको ये सब करने देता है, वो भी इतने वल्गर तरीके से। यूनिंग डीप डस्टिंग इन विलेज, नाइस, वेरी वेरी नाइस, विलेज आंगन में बर्तन वॉशिंग रूटीन, नाइस, आधी हिंदी और आधी इंग्लिश मिली गई है टाइटल में, नाइस, वेरी वेरी नाइस। इसके लिए तो मैं आपको ऑस्कर दिलाऊंगा, बस ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहिए। झाड़ू पोछा किया बेडरूम से किचन तक पूरा, वाह, टाइटल तो इन्होंने ऐसे लिखा है कि ये जैसे हम पे बहुत बड़ा एहसान कर रही है झाड़ू मार के। अरे चौथी फेल हाउसवाइफ, आपकी वीडियो देख के कोई झाड़ू पोछा करना सीखे या ना सीखे, लेकिन नौकर बनना जरूर सीख जाएगा। मतलब वीडियो बनाना है तो बनाओ, पर ऐसा काम तो मत करो। ये क्या होता है, झाड़ू पोछा किया, टट्टी साफ किया, लौड़े के बाल का एक बाल तोड़ दिया। और लोग कहते हैं इंटरनेट के आने से लोगों का भला हुआ है, स्लीपिंग टाइम आराम किया आज, तो तबीयत आज कुछ ठीक नहीं। अच्छा तो हम क्या करें, हिला? नहीं यार, जब इसका हस्बैंड ये सब बकचोदी देखता होगा तब ही वॉज लाइक, अबे यार बड़ी मादरचोद हाउसवाइफ है मेरी। तो चलो इसकी ये वाली वीडियो देखते हैं और अपने कान से खून निकलवाते हैं।
आई क्विट यूट्यूब, मुझे यूट्यूब करना ही नहीं बहनचोद। I quit. नहीं यार, चूतिया समझ के रखा है, थंबनेल पे गांड दिखा के पूरी वीडियो में सोया जा रहा है बस। अगर यही चीज लौंडे करते ना तो कुछ नहीं, और जब लड़कियां करती है तो 70,000 सब्सक्राइबर और 60,000 व्यू। #justiceforlaunde जस्टिस फॉर लौंडे। मालिक इनको देखते भी तो लौंडे ही है ना। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? देखो भाई, एक होते हैं अल्ट्रा बकचोद, दूसरे होते हैं लीजेंड बकचोद, तीसरे होते हैं अल्ट्रा लीजेंड बकचोद, और ये मादरचोद बकचोद हैं। नहीं यार, ये यूट्यूब को इस चीज पे कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा कंटेंट खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि जितना इनका खतरनाक कंटेंट और थंबनेल है कि कुछ ही दिनों में ये इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर बन सकते हैं। सो प्लीज इनसे डरो, नहीं तो हमारी गांड फट सकती है। और कमेंट में मुझे बताओ कि क्या तुमको ऐसी अल्ट्रा लीजेंड हाउसवाइफ चाहिए जो तुमको खुश रखने के साथ साथ यूट्यूब की जनता को भी खुश रखे अपना काम धंधा और मटका दिखा के। कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर तुमको ये वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में मजदूरी में। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कमिंग, बाय। विनोद क्या कर रहा है भाई? मालिक मैं यूट्यूब पर देख रहा हूँ कि झाड़ू और पोछा कैसे लगाते हैं।